आ रही है। पंजाब दे सीएम दे वल्लों एक मीटिंग सदी गई आ, पंजाब दे सारे जिलों के डीसीज दे नाल जिहड़ी मीटिंग हो रही आ। पंजाब भवन दे विच सारे जिलों के डीसी सदे गए ने ते एक अहम मीटिंग की जा रही आ। तां दस दईए इस मीटिंग दे विच कई वड्डे फैसले हो सकते ने। पराली अते झोने नूं लैके मीटिंग सदी गई ते इस मीटिंग दे विच कई अहम फैसले ले जा सकते ने। सीएम भगवंत मान दे वल्लों मीटिंग बुलाई गई ते इस खबर दे उत्ते ज़्यादा जानकारी देण दे लई साडे नाल साडे पत्रकार जगवंत बराड़ जुड़ चुके ने। जी जगवंत, की जानकारी है? जी बिल्कुल, दस दईए कि अज सीएम भगवंत मान उन्होंने वख-वख जिलों के डीसीआं नाल मीटिंग रखी सी। मीटिंग का समा 11 बजे सीगा, हालांकि थोड़ी बहुत देरी जरूर हुई है जी। तो दस दईए कि सीएम भगवंत मान हुण पंजाब भवन चंडीगढ़ के पंजाब भवन के पहुंच चुके हैं। डीसी जिहड़े सीगे ओह पहले पहुंच चुके सीगे। थोड़ी देर तक किया जा सकता है कि मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो मुख्य एजेंडे केड़े हैगे ओह भी दस दिने। सब तो वड्डा मसला है पराली का जी। तो पराली नूं लैके अज अहम चर्चा हो सकती है कि किस तरह किसानों नूं अग लाउण तों रोकिया जावे, क्योंकि आम तौर ते किसानां दी इही शिकायत हुंदी आ कि साडे कोल उस तरहां दे साधन नहीं हैगे जी। साडे कोल वड्डे ट्रैक्टर नहीं हैगे, साडे कोल बेलर मशीनां नहीं हैगियां, तां फिर साडे कोल हल की बचदा। इसे हल दे लई अज कह सकदे कि मीटिंग होर रखी गई आ। इस तों इलावा जदों पराली दा मसला उठदा हैगा तां ओह मसला कल्ले पंजाब तक सीमित नहीं रह जांदा, ओह हरियाणे तक भी चला जांदा, उस तों बाद दिल्ली तक भी चला जांदा। ते अजिहे दे विच एनजीटी दी भी एंट्री हो जांदी आ जी। तां इस सियासत तों बचण दे लई कह सकते कि ना कि हालांकि सब तो पहला नुकसान उस किसान का ही होंगे जिहड़ा खेत दे विच अग लगाउंदा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मामले दे विच दखल देने दे लई मजबूर हो जाता। तो कई बार पंजाब सरकार नूं इस मसले से घिरना भी पैंदा। तो तैयारी हुण तों ही की जा रही है। तो कह सकते कि पराली के मसले नूं लैके अज ये पूरी मीटिंग जिहड़ी ओह रहण वाली हैगी है, किस तरह किसानों नूं मोटीवेट किया जाए। हालांकि इस तों पहला भी लोगों के कोल जिहड़े किसान ने उन्हां दे कोल फोन कॉल्स पहुंच रहे कहने कि तुसीं अग ना आओ। कई बार पंजाब सरकार नूं सख्त एक्शन लेना पैंदा है कि इस तरह के परचे कट दिते जांदे ने, रेड एंट्रियां हो जांदियां ने। तो उस चीज़ तों बचण दे लई, क्योंकि किसान भी जिहड़े ओह नाराज़ ना होण, तां किस तरह का विचला रस्ता कट्टिया जावे, किसानां नूं छूट दित्ती जावे। आम तौर पर बहुत अजिहियां फैक्ट्रियां ने जिहड़ियां पराली तों बिजली तैयार करदियां ने। हालांकि अजकल जिहड़ियां बेलर मशीनां ने ओह अपने आप जिहड़ियां पराली चुक के लै जांदियां ने। इस तरह के हल हैगे आ, पर फिर भी बहुत जिहड़े छोटे किसान ने, किसी कोल 2 किले ने, किसी कोल 5 किले ने, उन्हां किसानां दे कोल कोई हल नहीं बचदा। तो उन्हां किसानां तक पहुंच किवें कीती जावे, तो उसदे हल दे लई अज इह अहम मीटिंग हो सकदी आ। इस तों इलावा जिहड़ा पिछले दिन फसलां खराब होईआं सीगां, तो उस मसले ते भी अज इस ते चर्चा होणी आ कि मुआवजा उन्हां कोल पहुंचिआ कि नहीं पहुंचिआ, कित्थे कित्थे रहि गिआ। इसदे नाल ही प्रोक्योरमेंट जिहड़ी झोने दी खरीद 1 तरीक तों शुरू होई आ, तो उस खरीद नूं लै के किसानां नूं कोई समस्या तां नहीं आ रही, किसानां नूं मंडियां दे विच रोलना तां नहीं पै रहा, बाहर तां नहीं दी कोई समस्या तां नहीं हैगी कि जो मंडियां दे विच झोना विक चुक्या उसदी ढोआ ढोआई दे प्रबंध किस तरह दे ने। जी धन्यवाद जी जानकारी देने दे लई। तां पंजाब भवन दे विच सीएम दे वल्लों मीटिंग सद्दी गई आ, सारे जिलों के डीसी सद्दे गए ने, जिथे पराली दी पराली साड़न नूं लैके गलबात हो सकती आ। उत्थे ही एक अहम गल इह आ कि जो मंडियां दे विच झोना पहुँच रहा है उसकी जल्दी तो चुकाई हो सके, ताकि किसानों नूं ज़्यादा समा मंडियां दे विच ना बैठना पवे, बाहर दाने की कोई प्रॉब्लम ना आवे, ते जिहड़े किसानों का झोना बिक चुक्या उन्हां नूं जल्द तो जल्द उन्हां दे जिहड़े पैसे आ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਸ਼ਾ 144 ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਝੋਨਾ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।